हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस अभी सुबह से मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। कल पर्दे जो धोए थे मैंने, उन्हें लगाऊंगी आज। और जो थोड़ा बहुत और मेरा क्लीनिंग का काम हो रहा है वो ख़त्म कर दूंगी मैं। आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस आप सभी को। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैंने पर्दे लगाए हैं, कल धोए थे, फिर मैं शाम को उतार के लेके आई थी, ऊपर सूख रहे थे, फिर रात को मैंने नहीं लगाए, तो मैंने सोचा चलो सुबह लगा देते हैं। तो अभी सुबह सुबह मैंने सबसे पहले पर्दे ही लगाए हैं। खाना पीने का तो मेरा सारा काम हो चुका है, अभी बस ये जो मेरा काम बच रहा है ये वाला मैं करूँगी। बेडशीट पर्दे सब मैंने धो दिए हैं, और ये पर्दे आज अभी मैं लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो थोड़ा बहुत मेरा क्लीनिंग का काम रह रहा है वो वाला मैं करूँगी। तो अंदर कमरे के तो मैंने लगा दिए, ये हैं बाहर के पर्दे, दो अंदर हैं और दो बाहर, चार पर्दे हैं कुल मिला के ही। तो मैं देख रही थी वो अंदर कमरे के जो पर्दे हैं वो थोड़े छोटे कर रखे हैं मैंने, नीचे से सिलाई में मोड़ रखे हैं। जो बाहर के हैं वो पूरे लंबे पर्दे हैं। तो अभी ये बाहर के हैं, अभी मैं बाहर लगा दूंगी। अंदर कमरे में तो मेरे लग चुके हैं। और हमारे घर में कबूतर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने परेशान कर रहे हैं, वो बहुत ही गंदगी फैलाते हैं पूरे घर में ही। और हर जतन कर लिया उनका, ये सारी खिड़की वगैरह भी मैंने उनकी वजह से ये बंद करी थी। पर्दे भी लगा लेते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गंदगी करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर छत पे पंखा लगा हुआ है इसमें भी कट जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता बंद करना, चला रहता है तो कई बार वो कट जाते हैं। और ये मेरी रह रही थी कुर्सी, अभी इनको मैं साफ करूंगी। इनको तो मैं भूल ही गई थी बिल्कुल कि ये भी साफ करनी है, अभी मुझे आज याद आए हैं तो फिर मैंने ये निकाली है और अभी मैं इनको साफ कर दूंगी। एक कुर्सी मैं साफ करूंगी और एक अंकित। तो बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई कैसे करना है, खुद से उन्हें नहीं आता, इतने समझदार भी नहीं है वो। तो मैं कर रही थी, अब मुझे देख के ही अंकित कर रहा है दूसरी कुर्सी। तो बच्चों को सब सिखाना पड़ता है, ऐसे किसी को काम नहीं आता है बिना बताए। तो बस अभी मिलके हम दोनों माँ बेटा कर लेंगे कुर्सी साफ, जो दोनों लगे हुए हैं आज का काम। अब तो ऐसे क्लीनिंग का कुछ भी काम नहीं रह रहा है, सारा हो ही चुका है, लेकिन ये थोड़ा बहुत है जो निकलता ही रहेगा लास्ट तक भी। ये बस ये रहता है कि दिवाली तक हमारा घर बिल्कुल क्लीन रहे, उसमें बिल्कुल भी जरा सी भी गंदगी ना आए। तो ये रोज की रोज लगे ही रहेगी साफ सफाई। और बस अभी यही रह रही थी मेरी। और तो सारे पंखे वगैरह सब हमारे साफ हो गए हैं। और ये सरप का पानी है, ये जो अंकित ने कटोरे में घोल रखा था और जूना ले रखा है हमने ये वाला, बस सरप के पानी से और हमने ये सारी रगड़ दी हैं तो बिल्कुल चमक गई हैं, बिल्कुल साफ हो गई हैं। और ये हमने कल भी साफ करी थी, आप बोलोगे कल भी साफ करी थी और आज भी। तो ये जो अंकित ने सरप घोल रखा था ये बच गया था, तो मैंने सोचा फिर से मैं एक बार रगड़ देती हूँ, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही डालूंगी तो वेस्ट हो जाएगा एक, तो बिल्कुल और भी ज़्यादा चमक जाएंगी। कल भी करी थी तो आज भी एक हाथ मार देते हैं, कुछ नहीं होता है और क्लीन हो जाएंगी। तो बस आज धनतेरस है और त्योहार शुरू हो चुके हैं, काम भी हमारा क्लीनिंग का तो वैसे खत्म हो ही चुका है। ये तो अपना रोज का ही है झाड़ू पोछा, तो ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया है और पूरे घर में चिकनाहट हो गई है, सरफ से हमने ये सारी चीजें साफ करी हैं। तो अभी बस मैं ये धो दूंगी सारा घर, क्योंकि फिसलने का डर है, फिसल जाते हैं। और ये मैंने सारा सरफ का कपड़ा मारा है इस पे जूना, वो हरे वाला,
और उससे और भी ज़्यादा बिल्कुल शाइनिंग आ गई है। अब बस हो गया है मेरा काम। और बस साफ सफाई का सारा काम हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे पानी से धो दूंगी साफ, क्योंकि फिसलना हो रहा है। सर आप से हमने सारी चीज़ें साफ करी हैं, तो फिर मैंने यहाँ को धो दिया था। और मेरा वाइपर भी टूट रहा है आज, जैसे कि पता ही है कि धनतेरस है और आज के दिन सारा सामान खरीदा जाता है, शॉपिंग की जाती है। तो मैं यही बस आज वाइपर और ये सब चीज़ों की शॉपिंग करूँगी। झाड़ू भी ली जाती है आज, सुबह मानी जाती है। जो साफ सफाई की चीज़ें हैं वो लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उनको लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो झाड़ू लाऊंगी मैं आज और बर्तन भी लाते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ये मैंने यहाँ पे सारे में वाइपर मार दिया है, अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और सुबह का काम मेरा क्लीनिंग का ख़त्म हो चुका है, अभी बस मैं नहाऊँगी। तो ये देखिए, ये है मेरी शॉपिंग गली में ही बर्तन वाले भी आ गए थे, और झाड़ू वगैरह ये सब चीज़ें आज की जो शॉपिंग है ये आज की ही वीडियो है धनतेरस की। तो हमने शॉपिंग कर ली है बाजारों में, मार्केटों में तो बहुत ज़्यादा आज के दिन भीड़ होगी। तो ये मैंने लिया है एक छोटा सा कद्दूकस जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, जैसे अदरक चॉप कर लेते हैं इसमें, और एक टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी हम इसमें चॉप कर सकते हैं। और ये लेके आए हैं हमें झाड़ू, ये तो मैं दुकान से लेके आई थी। और वाइपर मेरे टूट रहे थे, मैंने दो वाइपर लिए हैं, एक ऊपर का लिया है जहाँ पे मशीन लगती है कपड़े धुलते हैं, और एक लिया है मैंने यहाँ का अपने फ्लोर का, तो एक ऊपर रख दूँगी मैं एक यहाँ पे। तो आज अच्छा दिन माना जाता है इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए, इसलिए मैंने आज सब चीज़ें ली हैं। और मैं नहा चुकी हूँ, काम मेरा सारा हो चुका है। अभी मैंने कुछ सामान घर का भी मंगवाया था, ये ऑनलाइन मैंने सामान मंगवाया है जो अभी आया है नीचे से, जाके मैं लेके आई थी, थैला लेके गई थी नीचे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा घर का सामान जो ख़त्म हो रहा था वो मंगवाया था। तो ये मैंने साबुन, मेरी नहाने की साबुन ख़त्म हो रही थी, और सरसों का तेल दिए जलेंगे ये भी कल मैंने ऑर्डर किया था, और आज आ चुका है। 24 घंटे में डिलीवरी मिल जाती है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही सस्ते दामों में वहाँ पे सामान मिलता है, जो हम यहाँ से लेके आते हैं दुकान से उसे आधे रेट पे ही हमें ये सामान मिला है। बहुत ही कम प्राइस, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है 40% 50% का। तो बस जो जो मुझे सामान वहाँ से ठीक लगा, यहाँ से सस्ता, वो मैंने मंगवाया है। तो सरसों के तेल और हार्पिक नहाने की साबुन, सरफ कपड़े धोने और बर्तन मांजने की साबुन, ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। और चाय की पत्ती का पैकेट है ये 1 किलो वाला, मैंने ये भी मंगवाया, ये भी मुझे वहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में मिला है। डील सेल ऐप है, मैंने उसी से मंगवाया है, कई बार मैं मंगवा चुकी हूँ। और ये है 1 किलो का बर्तन मांजने का बार सोप, मैंने ये पूरा मंगवाया है, ये भी मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है। तो जिस किसी को भी घर के सामान के लिए चाहिए सस्ती चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। और ये मैंने नहाने की साबुन बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी, तो एक इसमें से निकाल ली है, और सारा सामान मैं इसमें रख दूँगी। बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ ऐसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।